स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 39, वैनिशिंग एक्ट। तो चलिए देखते हैं। 65 मिलियंस ईयर्स पहले देयर वॉज अ मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा लुप्तता का इवेंट हुआ था और उसमें डायनासोरस लुप्त हो गए थे, मतलब धरती से ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल हैं जानवरों के लुप्त होने के पीछे। हाउएवर टुडे ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ 25% ड्रॉप इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज ओवर द पास्ट 500 ईयर्स। पिछले 500 सालों से ह्यूमंस, मतलब इंसान, रिस्पॉन्सिबल है कि सारी स्पीशीज की पॉपुलेशंस, चाहे वो लायंस हों, एलिफेंट्स हों, टाइगर्स हों, उनमें कमी आई है उनकी जनसंख्या में 25%, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमंस। रीड बिलो टू अलोंग विद मैन मेड थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल। ओके, सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या मैन मेड थ्रेट्स हैं इनके सर्वाइवल के लिए, ये कैसे अपना सर्वाइवल करते हैं और कैसे, क्या इनके बारे में फन फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जैगुआर। ओके, जैगुआर्स आर एक्सेलेंट ट्री क्लाइंबर्स, ये बहुत अच्छे ट्री क्लाइंबर्स हैं। और थ्रेट क्या है कि लॉस ऑफ हैबिटेट, इस हैबिटेट का, इस स्पीशी का लॉस होता जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ओवर हंटिंग, जैसे कि ज़्यादा शिकार करना। ओके, सो इस वजह से ये लुप्त होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव डॉल्फिन। तो इसके बारे में फन फैक्ट है कि सम डॉल्फिन्स कैन होल्ड देयर ब्रेथ फॉर अप टू 15 मिनट्स। कुछ डॉल्फिन्स अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकती हैं 15 मिनट्स तक। सम डॉल्फिन्स कैन स्विम एज फास्ट एज 30 mph। तो इतनी स्पीड से कुछ डॉल्फिन्स स्विमिंग भी कर सकती हैं। ओके, सो थ्रेट क्या है, मरीन पॉपुलेशन, बोट ट्रैफिक एंड सोनार। तो बोट ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, मरीन की पॉल्यूशन। नाउ डॉल्फिन को क्या थ्रेट है, मरीन पॉल्यूशन, जो समुद्र में पॉल्यूशन है, बोट ट्रैफिक है एंड सोनार, इसकी वजह से इनको थ्रेट है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। फन फैक्ट अबाउट शार्क इज अ शार्क में ग्रो and loss 20,000 teeth in its lifetime. एक शार्क अपने जीवन में 20,000 teeth, मतलब दांत, loss भी करती है और उगाती भी है, उसके मुंह में 20,000 दांत आते भी हैं और उनका loss भी होता है उसके lifetime में, उसके जीवन काल में। अब शार्क के लिए क्या threat है, for sport, for food, shark fins for shark fin soup, for medical purpose. Okay, medical purpose के लिए shark को मार दिया जाता है। Okay, shark के fins use होते हैं shark fin soup में, और for sports के लिए भी इसका use किया जाता है। तो ये इसके लिए एक man-made threat है। आगे चलते हैं। Now we have rhinoceros. राइनोसोरस के बारे में फन फैक्ट है बच्चों, डिस्पाइट देयर नेम वाइट राइनोसोर्स आर एक्चुअली ग्रे। अपने नेम वाइट राइनोसोर नेम होने के बावजूद भी वाइट राइनोसोर्स ग्रे ही होते हैं। इनके लिए थ्रेट्स है ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक पोचिंग फॉर देयर हॉर्न, इनके जो सींगों की स्मगलिंग की जाती है, इसके लिए इनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है, और इनके हैबिटेट का भी लॉस हो रहा है, मतलब इनके रहने की जगह ख़त्म होती जा रही है। तो ये इनके लिए थ्रेट है।
Next we have polar bears. Under their white fur, इनकी white fur के नीचे polar bears have black skin. इनकी skin black होती है, ये इनका fun fact है. Their noses and lips are also black. आपको दिख रहा होगा इनकी nose और lips भी black होते हैं. और इनके लिए man-made threat क्या है? Loss of sea ice, hunting grounds to global warming, oil drilling in their arctic habitat, hunters. एक तो शिकारी इनके लिए threat है, दूसरा जो global warming से ice melt हो रही है, because ये sea ice में ही रहते हैं. Polar bears जहाँ ice होती है, जो ठंडी जगहें होती हैं वहाँ रहते हैं. तो hunting grounds पर sea ice का loss हो रहा है, okay? और इनकी जो आर्कटिक हैबिटेट है, जो इनकी रहने की जगह है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग हो रही है. तो अब नेक्स्ट वी हैव सी ओटर्स. सी ओटर्स के बारे में फन फैक्ट है बच्चों कि ये डाइव कर सकता है 330 फीट गहरा, ओके, व्हेन फॉरेजिंग फॉर फूड, जब ये खाने की तलाश में हो. और इसके लिए थ्रेट है ऑयल स्पिल्स, हैबिटेट लॉस, फूड लिमिटेशन एंड डिसीज, बीमारी, फूड की लिमिटेशन, ऑयल ड्रिलिंग और इनके भी हैबिटेट का लॉस हो रहा है, मतलब रहने की जगह इनके अनुकूल नहीं है. ओके, तो आई होप कि आपको इनके थ्रेट्स और इनके फन फैक्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा, राइट? इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश करते हैं. थैंक यू.